बड़ा भंगाल के लिए पालमपुर तथा शिमला से विशेष खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान में मौसम बाधा बना। पालमपुर से सुबह 10 बजे टीम बड़ा बंगाल के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हुई, लेकिन कुछ देर में ही टीम खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर के न उतरने के कारण वापस आ गई, जिसमें हेल्थ मिशन के सचिव पंकज राय सहित SMO कांगड़ा, SM पालमपुर सहित जिला प्रशासन भी गया था, लेकिन मौसम के ठीक न होने व उचित जगह न मिलने के कारण हेलीकॉप्टर को वापस आना पड़ा। बड़ा बंगाल सहित आसपास के करीब 54 बच्चों के लिए टीकाकरण के लिए टीम गई हुई थी, लेकिन मौसम बाधा के कारण वापस आना पड़ा। इस टीम में बड़ा बंगाल के लिए जिला कांगड़ा के DC CP वर्मा भी साथ गए थे। विशेष खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान के बारे में MD राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पंकज राय ने बताया कि अभियान 30 अगस्त को प्रदेश में शुरू किया गया था, जिसमें जिला कांगड़ा में 99.8 लक्ष्य को पूरा किया गया है। पूरे जिला कांगड़ा में 3,00,000 बच्चों को टीकाकरण किया जाना था, जिसमें से अब 99.8% लक्ष्य पूरा हो चुका है। पंकज राय ने बताया कि 29 सितंबर तक अभियान पूरा हो जाना था, लेकिन अब मौसमी बेरुखी के चलते बड़ा बंगाल के बच्चों को बाद में टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां सभी प्रकार की वैक्सीन फ्री दी जा रही है। उन्होंने बताया कि सभी स्कूल आंगनबाड़ी में दी जा चुकी है, वहीं HRA एरिया के लिए प्लान बने हैं, उसमें 12 ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। हमारा कैंपेन है वो हिमाचल में हमने 30 अगस्त को शुरू किया था और ये पूरी स्टेट में 12 जिलों में स्टार्ट हुआ था। अभी तक हम 4 जिलों में कंप्लीट कर चुके हैं। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा 3,00,000 से ज्यादा बच्चे थे और डिस्ट्रिक्ट जिलाधीश महोदय की अध्यक्षता में जो मीटिंग्स हुई और उसके बाद हमारे लोकल CMO और जो बाकी डॉक्टर्स थे और टीम थी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम कांगड़ा जिला में 99.8% कर चुके हैं। लगभग 350-400 बच्चे बचे हैं और स्टेट की कमिटमेंट देखिए, आपकी 44 बच्चों के लिए एक हेलीकॉप्टर जो है वो बड़ा बंगाल में जा रहा है, DC साहब भी हमारे साथ जा रहे हैं, तो जो 44 बच्चे वहां पे बचे हैं उनको हम आज वैक्सीनेट करेंगे और उम्मीद करते हैं कि 29 तारीख तक कांगड़ा जिला पूरा कवर हो जाएगा और पूरा स्टेट में, मैंने जैसे पहले बताया, 4 जिले पूरे हो चुके हैं और हमारा ओवरऑल जो कैंपेन में टारगेट था 100% का था और 99.3% हम कवर कर चुके हैं आज की डेट तक। और मैं उम्मीद करता हूं कि 29 तारीख तक पूरा स्टेट 100% कवर हो जाएगा और मिजल रूबेला कैंपेन जो है दूसरे स्टेटों के साथ हिमाचल में भी स्टार्ट हुआ था, लेकिन हमने लगभग 28-29 दिनों में पूरा स्टेट कवर कर लिया। ये भी एक अचीवमेंट है। हिमाचल प्रदेश जो है पूरे कंट्री में 12 जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें 12 वैक्सीन लगते हैं। हिमाचल ही सिर्फ ऐसा स्टेट है पूरी कंट्री में जिसमें सारे वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। आपने देखा होगा रिसेंटली PCV लॉन्च हुआ था, उससे पहले रोटा वायरस था और अब MR कैंपेन है। तो बड़ी खुशी की बात है कि पूरी स्टेट में सभी बच्चे जो कि मीजल्स और रूबेला से काफी प्रॉब्लम्स उनमें होती थी, निमोनिया, डायरिया और बासी बर्थ डिफेक्ट्स होते थे, वो आगे के लिए नहीं होंगे। सर, एक माइग्रेट हुआ था, हमने ये जो इसकी प्रेपरेशंस थी वो 30 अगस्त से लगभग 2 महीने पहले शुरू कर दी थी और हरेक जिला में हरेक CMO साहिबान और जो BMO कंसर्न थे और हमारे साथ गवर्नमेंट पार्टनर भी हैं जिसमें WHO है, यूनिसेफ है, IP ग्लोबल है, UNDP है, इन लोगों की मदद से हमने माइक्रो प्लान बनाया था। उस प्लान में इसमें 3-pronged स्ट्रेटजी थी। नंबर 1 पे था कि जो हम स्कूल को कवर करेंगे जिसमें 70-80% बच्चे होंगे, उसके बाद जो हमारा नॉर्मल जो रूटीन इम्यूनाइजेशन होता है जो कि आंगनवाड़ी सेंटर और जो हमारे इम्यूनाइजेशन सेंटर्स हैं उन पे होता है, उसमें कवर करने का था। और जो लास्ट एक्टिविटी थी मॉपअप एक्टिविटी जो आप बात कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम HRA, उन एरियाज के लिए जो है ऑलरेडी प्लान बनाया है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी बच्चा ना छूटे। हमने अभी ऑब्जर्वर अपॉइंट किए थे पूरी स्टेट में, 12 ऑब्जर्वर स्टेट से, वो बड़े सीनियर ऑफिसर थे, डिप्टी डायरेक्टर एंड अबव, सभी को फील्ड में भेजा गया है और वो चेक कर रहे हैं। जैसे पिछले 2 दिन जो हमारी स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर है उन्होंने शिमला जिला के इंटीरियर का दौरा किया एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 100% बच्चे इम्यूनाइज पाए गए और हम कोशिश करेंगे कि कोई भी बच्चा हिमाचल में MR वैक्सीन से ना छूटे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा RS राणा ने कहा कि बड़ा बंगाल में मौसम साफ न होने के कारण हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सका, जिस कारण बच्चों का टीकाकरण नहीं हो सका। जब ये बच्चे 15 अक्टूबर के बाद बिड में आ जाते हैं तब इनका रूबेला टीकाकरण कर दिया जाएगा। अभी ऐसा है कि वहाँ पे मौसम खराब होने की वजह से
जो है कि हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया। तो ये जो बच्चे हैं 15 अक्टूबर के बाद जब बीड स्कूल में इनका स्कूल स्टार्ट हो जब होगा तो वहाँ पे हम 15-16 तारीख को इनको जो है कि इम्यूनाइज कर देंगे। अभी तक हमारे जो आज या कल तक हमारा 100% जो है कि टारगेट अचीव हो जाएगा और इन 44 बच्चे हैं इनको भी हम जो है कि 15-16 तारीख को इम्यूनाइज करेंगे तो देन 100% भी मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का 100% हो जाएगा। कितने बच्चे होंगे सर टोटल? हमारे यहाँ 370,529 और अभी तक हमारे 369,992 बच्चे हो चुके हैं और हमारे अभी तक 537 बच्चे जो है कि रहते हैं इम्यूनाइज करने को। अब हमारे आउटरीच कैंप लग रहे हैं, मॉपअप लग रहा है, जो स्कूलों में हमारा कंप्लीट हो चुका है और जो बाकी का जो एचआरए एरिया है वो हम कवर कर रहे हैं और 29 तक होपफुली ये सारे का सारा हम कवर कर देंगे और जो बाकी बच्चे रह गए 15 इसको हम 16 अक्टूबर को फिनिश कर देंगे। होने की वजह से जो हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया जो जैसे अब पायलट ने हमें बताया। तो उन्होंने पहले क्लेरिफाई नहीं किया था ये वेदर का तो वहीं पता लगना ना जाके, यहाँ थोड़ा पता लगना साइड हुआ।